वाराणसी में बीएचयू लैब से बुधवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 490 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं होम आइसोलेशन कर रहे 20 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद वाराणसी में थर्ड वेव में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,539 पहुंच गई है। संक्रमित 12 मरीज कोविड अस्पताल में हैं और अन्य मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बुधवार को बीएचयू जांच लैब से मिली 5,789 जांच रिपोर्ट में 490 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आज मिले सभी मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और सभी के कॉन्टेक्ट में आए लोगों की जांच की जा रही है। वाराणसी में कोविड की तीसरी लहर के दौरान अब तक 2,539 केस सामने आ चुके हैं। वहीं थर्ड वेव में अब तक कुल 347 मरीज होम आइसोलेशन और एक मरीज अस्पताल से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले दो वर्षों में जिले में इस बीमारी से 773 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में हाईवे पर 1 करोड़ के काजू लदी ट्रक को लूटने और ड्राइवर की हत्या में शामिल एक अपराधी को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़ा गया अभियुक्त लंका थाना क्षेत्र स्थित बाटी चोखा रेस्टोरेंट रमना लंका से कहीं भागने की फिराक में मौजूद था। उक्त अभियुक्त के पास से एक देशी तमंचा भी बरामद हुआ है। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि 1 जनवरी की रात पवन गौड़ राजेश बिंद उर्फ खितई तथा धर्मेंद्र कुमार बिंद उर्फ धोनी के साथ मिलकर अपने पूर्व परिचित चालक ओम प्रकाश उर्फ संतोष को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित डाफी टोल के पास शराब पिलाया। इसके बाद नशे में होने पर टोल के आगे ग्राम नुआम के पास सुनसान स्थान देखकर सभी ने मिलकर ओम प्रकाश को नीचे गिराकर उसी ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी और ट्रक लेकर फरार हो गए थे। राम सजीवन जायसवाल न्यू कॉलोनी ककरमत्ता थाना चितईपुर उम्र लगभग 35 वर्ष की पड़ोस में ही सुलभ की देखरेख करने वाले विजय कुमार गुप्ता ने हत्या कर दी है। दोनों में दारू पी करके आए दिन विवाद होता था और इसी बात को लेकर के ये हत्या कार्य की गई है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के उसको पीएम हेतु भेजा गया है। एफआईआर नामित पंजीकृत की गई है और नामित अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और इस पर जो है साक्ष्य संकलन के आधार पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्था विशाल प्रोटेक्शन फोर्स ने सफाई कर्मचारियों को सभी 84 घाटों पर सफाई के लिए नियुक्त किया है। इन सफाई कर्मियों ने बुधवार को 80 घाट पर जमकर प्रदर्शन किया और काम करने से इनकार कर दिया। सभी सफाई कर्मियों का कहना है कि कार्यदायी संस्था पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं दे रही और पूछने पर सुपरवाइजर आजकल कर रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। इस प्रदर्शन में सभी 84 घाट के सफाई कर्मी मौजूद रहे। इन्हीं में से एक केदार घाट की सफाई कर्मी शीला ने बताया कि नवम्बर महीने से हमें कोई पेमेंट नहीं मिला है। हमें विशाल कंपनी ने काम पर लगाया है, उसके सुपरवाइजर से बात की तो वो आजकल करता है, बस सुबह आता है और हमारी सफाई करते की फोटो लेकर चला जाता है। आज हम लोग ये हड़ताल करें कि हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा। दो वो अधिकारी बोले हैं कि अभी काम करो, अब 2 दिन में तनख्वाह मिलेगा। बताइए, नगर निगम वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, वर्दी का पैसा भी कट जा रहा है 1500 रुपए, तो काम क्यों करें, काम कैसे करें। वाराणसी शहर में बिना परमिट के चल रहे टोटो और ऑटो के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अभियान चलाया। एसीपी ट्रैफिक अमित कुमार पांडे के नेतृत्व में राजघाट पुलिस पिकेट के पास डग्गा मार वाहनों, बिना परमिट चल रहे टोटो और 3 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें ज्यादातर टोटो बिना परमिट और लाइसेंस के चल रहे थे। पुलिस ने बिना परमिट चल रहे वाहनों को चेतावनी देते हुए आउटर में भेज दिया। एसीपी ट्रैफिक अमित कुमार पांडे ने बताया कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा समय समय पर डग्गा मार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत त्योहारों से पूर्व शहर को डग्गा मार वाहनों से मुक्त करने के लिए आज अभियान चलाया गया। ये अभियान अभी लगातार चलाया जाएगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा रेगुलर एक डग्गा मार वाहनों के खिलाफ एक अभियान चलता रहता है। उसी अभियान के तहत जो है शहर को डग्गा मार वाहनों से मुक्त करने के लिए ये एक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आगामी महत्वपूर्ण पर्वों पर शहर को विशेष रूप से ऐसे वाहनों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था को परेशान न होना पड़े। वाराणसी के चिरई गांव क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुधवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी पिंडरा अभिषेक पांडे के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस टीम के साथ विधानसभा शिवपुर के प्रमुख मार्ग चौराहों बाजारों में फ्लैग मार्च किया। आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने और चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों से कड़ाई से निपटने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च चौबीपुर थाना अंतर्गत चिरई गांव पुलिस चौकी क्षेत्र के रुस्तमपुर से शुरू हुई, जो वहां से उमराहा, जयराम, छितमपुर, खेतलपुर,
राम गढ़वा, चौबेपुर, पूर्णपट्टी व अन्य गांवों से गुजरा। इस बाबत थाना अध्यक्ष चौबेपुर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि फ्लैग मार्च कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया। चंदौली जनपद में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस व सीआरपीएफ जवानों ने बुधवार को जिले में फ्लैग मार्च निकाला। इसके जरिए सुरक्षा का एहसास कराया, साथ ही लोगों से भयमुक्त होकर व निष्पक्ष मतदान की अपील की। सीओ अनिल राय और अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने बूथों पर भ्रमण किया। इस दौरान अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का अवलोकन किया। यहां सुरक्षा को लेकर रूपरेखा तैयार की गई, साथ ही ग्रामीणों से बात कर जानकारी ली गई। पुलिस व सीआरपीएफ के संयुक्त भ्रमण अभियान से लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी। सीओ ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का कड़ाई के साथ अनुपालन कराया जाएगा, लोग निष्पक्ष व भयमुक्त होकर मतदान करें। वाराणसी के हुकुलगंज में छत पर मोबाइल से बात कर रहे युवक पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार पर भारी ब्रजपात हुआ है। युवक की शादी 2 साल पहले ही हुई थी और उसका 6 माह का एक बेटा भी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज गुप्ता का मकान लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत हुकुलगंज चौराहे के समीप राधा कटरा वाली गली में है। मनोज गुप्ता का 24 वर्षीय पुत्र अंशु गुप्ता बुधवार को दिन में छत पर मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान हल्की बारिश के साथ आकाशीय बिजली सीधे अंशु पर आ गिरी। परिजन उसे दीनदयाल अस्पताल ले गए और फिर वहां से एक निजी अस्पताल पर उसे बचाया नहीं जा सका। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के एमएस डॉक्टर के गुप्ता के ऊपर अभद्रता और मारने का आरोप लगाकर अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ बीते शनिवार से हड़ताल पर है। हड़ताल के 5वें दिन नर्सिंग स्टाफ ने बुधवार को विश्वविद्यालय प्रशासन और एमएस की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर्स ने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आज शाम तक कुलपति हमारी सुध नहीं लेते हैं तो कल से हम अनशन करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर सपना ने बताया कि आज हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन जो हमारी टोह बिल्कुल नहीं ले रहा है आए और हमारी बात जाने कि आखिर हमारा दुख क्या है। हम लोगों को धरने पर बैठे हुए आज 5वां दिन है और हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं ताकि ये जो प्रशासन जो हमारी टोह बिल्कुल नहीं ले रहा है इस बरसात में इस शीतलहर में हम यहाँ बैठे बैठे बीमार हो रहे हैं, अपने बच्चों को अपने परिवार को छोड़कर हम अपने सम्मान के लिए यहाँ बैठे हैं, वो प्रशासन की बुद्धि खुले और वो हमारा संज्ञान ले कि हम यहाँ क्यों बैठे, हमारी क्या तकलीफ है। कोरोना वैक्सीनेशन और अन्य मुद्दों पर वाराणसी में बुधवार को कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर दीपक अग्रवाल और जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि वाराणसी में 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज की डेट पार हो चुकी है पर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। उन्होंने ऐसे लोगों से 15 से 20 दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सभी विद्यालयों और समाजसेवी संस्थाओं से आह्वान किया है कि सभी अभियान के रूप में इसे लेते हुए 5 दिन के अंदर जिले के सभी किशोर किशोरियों को वैक्सीनेशन करवाएं। वाराणसी जिले में कोविड की तीसरी वेव को देखते हुए वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति में कराने के लिए काफी विभागों की बड़ी बैठकें की गई हैं। इसी के लिए ही प्रेस वार्ता भी की गई है। इसके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि वाराणसी में जो भी लोग हैं जिनकी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है वो आने वाले 20-25 दिन में अपनी अपनी डोज लगवा लें। लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी डेट्स हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी ड्यू हो गए हैं, वो जल्दी से वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचे। साथ ही 15 साल से 18 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं और जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते वो लोग भी शामिल हैं, उनका वैक्सीनेशन भी हम लोगों ने 5 दिन में करने का प्रण लिया है। कोरोना थर्ड वेव बहुत तेजी के साथ अपना पांव पसार रही है, ऐसे में वाराणसी में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन सभी के मद्देनजर कमिश्नर दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कमिश्नरी सभागार में बुधवार को की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि जो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग का टीकाकरण अभियान चल रहा है उसकी प्रगति अच्छी है, पर इसे 100% करने के लिए हम 15 और 16 जनवरी को वृहद अभियान चलाने जा रहे हैं। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। और विगत कुछ दिनों से जो 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसमें भी एक अच्छी प्रगति देखने को वाराणसी में मिली है, लेकिन इस अच्छी प्रगति को संपूर्ण प्रगति में बदलने के लिए और 100% वैक्सीनेशन अचीव करने के लिए जनपद ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग एक विशेष अभियान चलाएंगे जिससे कि जितने भी अनुमन्य आयु वर्ग हैं उसमें हम उन अनुमन्य आयु वर्गों को सबको सैचुरेट कर सकें।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।